फाइनली बोर्डिंग पास तो मिल गया है, अब एक नए कंट्री की तैयारी हो चुकी है। I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Immigration cross करने में भी ज़्यादा समय नहीं लगा क्योंकि बहुत ही limited लोग traveling कर रहे हैं। तो चलिए एक नए trip की शुरुआत करते हैं। दस पंद्रह मिनट में मेरा बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा और बोर्डिंग स्टार्ट होने के पहले मुझे काउंटर से ये दिया गया है, फेस मास्क और ये प्लास्टिक मास्क दिया गया है जो कि फ़्लाइट में कंपलसरी है। अब बिना इसके आपको फ़्लाइट में एंट्री नहीं मिलेगी। 8-9 महीनों के बाद मैं ट्रैवलिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा सा नर्वस भी हूँ क्योंकि यहाँ पर टोटली अलग तरीके का सिचुएशन देखने को मिल रहा है एयरपोर्ट पर। और जो एयरपोर्ट हमेशा भरा भरा रहता था, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और इस समय बहुत ही लिमिटेड लोग ही ट्रैवलिंग कर रहे हैं। कोविड टेस्ट के बारे में मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं। अगर आप दिल्ली के बाहर से हैं तो आपको कोविड टेस्ट करा कर आने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा एक्स्ट्रा समय लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर आइए, वहाँ पे एक स्पेशल काउंटर लगा है कोविड टेस्ट कराने के लिए जो कि 4 से 6 घंटे में आपको रिपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं और जिसका कॉस्ट है 2400 रुपये। तो मान लीजिए अगर आपकी फ़्लाइट शाम को 5 बजे है तो अगर आप सुबह 10 बजे एयरपोर्ट पे आ जाते हैं तो आपका कोविड टेस्ट भी हो जाएगा और आप अपना फ़्लाइट भी आसानी से ले सकते हैं, आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी अपना यहीं पे कराया है जिसके लिए मैंने भी 2400 रुपया दिया है, इनका फिक्स चार्ज है। मेरा तो 4 घंटे में ही मिल गया था और फाइनली मैं इमिग्रेशन क्रॉस कर लिया क्योंकि भीड़ ना होने की वजह से इमिग्रेशन भी बहुत आसानी से हो जा रहा है और बोर्डिंग पास वगैरह में भी कोई भीड़ भाड़ नहीं है तो बिल्कुल आसानी से हो जा रहा है। और अगर आप ट्रैवलिंग को लेकर घबरा रहे हैं तो मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑनेस्टली पूछिए तो ट्रैवलिंग का मज़ा तो अभी ही है क्योंकि हर चीज़ सस्ती मिल जा रही है फ़्लाइट को छोड़कर, क्योंकि फ़्लाइट वाले 2-3 प्राइस में टिकट बेच रहे हैं क्योंकि उनकी भी मजबूरी है। जिस फ़्लाइट में 200-300 लोगों को अलाउड करती थी गवर्नमेंट, अब उसमें मुश्किल से 50-100 लोगों को अलाउड कर रही है। इस समय ट्रैवलिंग करने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आपको होटल्स, गेस्ट हाउस, हॉस्टल वगैरह बहुत सस्ते में मिल जाएंगे, फूड्स, टैक्सी वगैरह सस्ते में मिल जाएंगे। तो चलिए, ये मेरा नया ब्लॉग है और इस ब्लॉग में मैं आपको अपना रियल एक्सपीरियंस बताता हूँ। चलो सर, बोर्डिंग स्टार्ट हो गया है और फ़्लाइट के अंदर का क्या सिचुएशन है अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और उसके पहले मुझे ये मास्क एयरलाइन की तरफ से दिया गया है जो कि मुझे पहनना कंपलसरी है, और उसके बाद मैं फ़्लाइट के अंदर का कैसा सिचुएशन है ये भी दिखाता हूँ और जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ का भी क्या सिचुएशन है, ये सब कुछ इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग योर फ्रेंड, योर ब्रदर, ट्रैवलिंग हैप्पी को सपोर्ट करो यार, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और नए ट्रैवलिंग ब्लॉग का एंजॉय करो। चलो जल्दी जल्दी करते हैं भाई। यात्रियों, इंतजार करने के लिए आपका धन्यवाद।
अन्य सभी यात्रियों को से थैंक यू सर वोट करने के लिए अनुरोध किया जाता है। कृपया फाइनली फ्लाइट में जाने का परमिशन मिल गया मुझे। अब चलिए फ्लाइट के अंदर का भी कुछ दिखा देते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि साउंड कैसा आ रहा है आप लोगों को, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, कैब की तरह लग दिए हैं ये लोग। चलिए सेफ्टी रीजन को लेकर अच्छी बात है। और कुछ इस तरह का नज़ारा है फ्लाइट के अंदर का, बिल्कुल खाली खाली सा। और मुझे नहीं लगता है कि ये सीटें भरेंगी, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत कम लोग ही ट्रैवलिंग कर रहे हैं। चलिए अपने सीट पे बैठते हैं और दिल्ली टू सिडनी फ्लाइट का एंजॉय करते हैं। फ्लाइट है, पूरी की पूरी फ्लाइट खाली जा रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने इस पूरे प्लेन में सिर्फ 50 लोगों को अलाउड किया है, जिसके वजह से आप लोग देख सकते हैं कि इस फ्लाइट में सिर्फ और सिर्फ 40 और 50 लोग ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली टू सिडनी। फाइनली सिडनी में लैंडिंग होने वाला है। आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ सिडनी एयरपोर्ट का, जो कि पानी के बीचों बीच बनाया गया है। फाइनली लैंड हो चुके हैं सिडनी में। 55 minutes past 7 AM. जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, हमारे पीछे सारी की सारी सीटें खाली पड़ी हुई हैं, क्योंकि इस पूरे फ्लाइट में सिर्फ 30-40 लोगों को ही अलाउड किया गया था दिल्ली टू सिडनी के लिए। फ्लाइट से बाहर तो निकल गया हूँ, अब चल रहा हूँ इमिग्रेशन क्रॉस करने के लिए, और उसके बाद देखता हूँ क्या होता है। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ सिडनी एयरपोर्ट पे भी कोई भीड़ भाड़ नहीं है, बिल्कुल सुना सुना पड़ा हुआ है। चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से इमिग्रेशन क्रॉस करने के बाद।